एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने शनिवार को कैंपियरगंज के बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में चार दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण राप्ती नदी सरयू नदी में भारी बारिश होने के कारण पानी ज्यादा हो गया। अब दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर हो गई है, जिसमें कुछ गाँव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में बाकी गाँव में भी पानी पहुंचने की संभावना है, जिसमें 25 गाँव है जिसमें पानी पहुंच सकता है। जिसको देखते हुए कैंपियरगंज के रोहिणी नदी के कुछ गांव का निरीक्षण किया गया है, जिसमें कैंपियरगंज के गांव में पानी आ गया है, फसलें डूब गई हैं। जिसको देखते हुए तहसील व अन्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही जिनका फसल डूब गया है उनको कहा गया है कि वह अपना फार्म भर कर जमा करें, जिससे कि राहत का पैसा उनके खाते में भेजा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, हाँ पहुँच रहा है। ये भी कौन सा गांव हुआ? सरहरी में। हाँ सरहरी मोज़ सरहरी मोज़ बंद रहा। अच्छा अच्छा क्या बोला था इसमें? पहले धान रहा है वो में चिल्ली रहा वो जन हरियर का लौका था बन के फल भी हुआ था वो हमने इसमें कुछ बोया था। हां वो धान वाला ही। हां ये दूसरे बुढ़ाओ को हमन के होखा है और कुल हाउस सब हमन के हिस्सा है सर। और सब सब्जी अब जी सब्जी अब जी रहा लगा और कुल हमन के होखा है। कितने की बात कर रही हूँ? हाँ, हाँ। कितने की बात? अरे यहाँ से उस घर तक जो दिखाई पड़ रहा है ना, कई लोग हैं। अरे हो सकता जमीन तो इतनी होगी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश में रुक रुक कर भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण जो हमारी राप्ती नदी है और सरयू नदी है इसका जो पीछे का कैचमेंट एरिया है इसमें भारी वर्षा होने के कारण पीछे से पानी आ रहा है और ये दोनों नदियां गोरखपुर में अब खतरे के निशान से ऊपर हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनमें आज पानी आ गया है, अगले 2-3 दिनों में भी पानी आने की संभावना है। लगभग 25-30 गांव ऐसे होंगे जिनके आसपास पानी आने की संभावना है। इसी सिलसिले में आज हमने रोहिण नदी का जो हमारा क्षेत्र है कैंपियरगंज में उसका विजिट किया। वहाँ के कुछ गांवों में कुछ मोहल्ले के आसपास पानी आ गया है, कुछ फसलें हैं जो डूब गई हैं। निर्देशित किया गया है तहसील को, अन्य विभागों को भी, जो राहत और बचाव से संबंधित है वो कार्य तत्परता से करें और जैसे ही पानी हट जाए आकलन कर लें। जिन फसलों में 50% से अधिक की क्षति हुई है उनका रिलीफ खतौनी भर करके दें राहत की वेबसाइट पर, जिससे उनके खाते में राहत का पैसा जा सके। धन्यवाद।